थाने का निरीक्षण किया गया है, क्या कर रहे हो? आज मंझनपुर कोतवाली का निरीक्षण किया गया है, यह आकस्मिक निरीक्षण था। इसमें देखा गया कि कोविड हेल्प डेस्क पर जो कर्मचारी हैं उनकी प्रॉपर ब्रीफिंग नहीं की गई और उनके द्वारा जो पल्स ऑक्सीमीटर और थर्मल स्कैनर नहीं चलाया जा पा रहा। इसके लिए यहाँ के प्रभारी निरीक्षक को लाइन आयोजित किया गया। साथ ही कुछ शिकायतें मिली थी कि प्रार्थना पत्रों का निस्तारण समयबद्ध रूप से नहीं हो रहा है। आज पुलिस कार्यालय के निरीक्षण में देखा गया कि जो प्रार्थना पत्र पुलिस अधीक्षक कौशाम्बी को प्राप्त हुए हैं उन्हें मंझन को समय से भेज दिया गया, लेकिन उनकी प्रविष्टि करने में भी गलतियाँ की गई हैं। जिन सब इंस्पेक्टर्स को जाँच के लिए दिया गया था उनके द्वारा अभी तक जाँच कर उसको नहीं लौटाया गया है, जबकि एक माह से अधिक हो गया। इसके लिए यहाँ के दो निरीक्षकों को निलंबित किया गया है। साथ ही एक कांस्टेबल क्लर्क जिनके द्वारा प्रॉपर रिकॉर्ड नहीं रखा जा रहा है, जो अभी तक वारंट आए थे वो लौटाए नहीं गए और उनके देखा जोखा भी उसके द्वारा सही नहीं रखा गया है। इसके लिए एक कांस्टेबल क्लर्क को निलंबित किया गया है। अन्य जो इंस्ट्रक्शंस हैं वो दे दी गई हैं। सभी को बताया गया है कि कोरोना काल में पूरी एहतियात बरतें, जहाँ जहाँ जो भी सावधानियाँ हो सकती हैं उनका सभी जवानों को निरंतर हिदायत देते हैं, उनका रजिस्टर कर रोजाना रिकॉर्ड रखें कि पल्स ऑक्सीमीटर से ऑक्सीजन लेवल कितना है और टेम्परेचर कितना है। अगर किसी की तबीयत खराब होती है तो तत्काल उसका चेकअप कराया जाए। यहाँ जो मालों का निस्तारण है उसकी स्थिति खराब है, उसमें अभी जो पूर्व में यहाँ पर हेड मोहरिन माल खाना इंचार्ज थे उनको बुलाया गया, 10 दिन का समय दिया गया है, उनके द्वारा चार्ज हैंड ओवर किया जाएगा। अगर उसके द्वारा लापरवाही पाई गई तो उसके खिलाफ भी कार्रवाई होगी। पुलिस कार्यालय में एक अकाउंटेंट को सस्पेंड किया गया है, इन्हें अपने सेक्शन में शिथिल पर्यवेक्षण के लिए और इनको वहाँ कार्य की जानकारी ना होने के लिए निलंबित कर दिया गया है।